करनाल के लघु सचिवालय के प्रणांग में योग शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में योग वॉलंटियर के तौर पर युवकों की नियुक्ति की गई थी, जिनको बाद में आयुष विभाग में समायोजित करने का वादा सरकार द्वारा योग वॉलंटियर एवं योग शिक्षकों के साथ किया गया था, परंतु सरकार द्वारा सभी योग शिक्षकों को उनकी सेवाओं से हटाया गया है, जिसके विरोध स्वरूप आज करनाल के लघु सचिवालय के सामने पूरे प्रदेश भर से आए योग शिक्षकों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। योग शिक्षक बलजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई सालों से योग शिक्षक पूरे प्रदेश में स्वयं सेवक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिससे उनके परिवार का गुजर बसर सरकार द्वारा दिए जा रहे मानदेय से चल रहा था, परंतु अब सरकार द्वारा नई व्यायामशाला एक खोली गई है और उन व्यायामशाला में नए योग शिक्षक भर्ती करने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है, जिसे पहले से कार्यरत योग शिक्षकों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा योग शिक्षकों के नई भर्ती में उम्र 35 रखी गई है, जो कि बेहद कम है, जबकि पहले से कार्यरत योग शिक्षक आयु सीमा की शर्त पर खरे नहीं उतरते, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट छाया हुआ है। उन्होंने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि सभी योग शिक्षकों को आयुष विभाग में समायोजित किया जाए और यह व्यायामशाला में पुराने स्वयंसेवक योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने बताया कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो वह आमरण अनशन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इस मौके पर प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने लघु सचिवालय के सामने धरना दिया एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन देने की बात करते हुए नारेबाजी की। सरकार द्वारा 450 योग वॉलंटियर लगाए थे 2018 में और हमारा जून 2019 में समय पूरा हो गया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने हमें ये कहकर कि आप लोगों को आयुष डिपार्टमेंट में समायोजित करेंगे, उन्होंने वह कायदा हमें लेटर भी दिया रिटर्न में लिख के, लेकिन हमें आयुष में समायोजित नहीं किया गया और ना ही हमें खेल विभाग में किया गया। जो व्यायामशालाएं बनाई थी उनमें लगाए गए थे हम 450, लेकिन हम आज बिल्कुल बेरोजगार हैं, सरकार हमारा साथ नहीं दे रही। और अब हमें एक चीज़ पता लगा 3-4 दिन से कि व्यायामशालाओं का उद्घाटन हुआ है उसमें योग वॉलंटियर रखे जाएंगे, लेकिन उसमें एज का भी रख दिया 35 साल, जो कि मैक्सिमम लोगों की उम्र भी निकल चुकी है। सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, एज 42 साल होनी चाहिए और जो सबसे पहले पुराने योग वॉलंटियर लगे हैं उन्होंने आयुष में समायोजित करना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य आयुष में समायोजित किया जाए, हमें आयुष समायोजन करके हमें रोजगार दिया जाए ताकि हमारा बच्चों का परिवर्तन हो सके। आज कहाँ कहाँ से आए हैं टीचर और क्या? आज पूरा हरियाणा से योग शिक्षक आए हुए हैं, भिवानी से भी हैं, रोहतक से भी हैं, कुरुक्षेत्र से हमारे प्रधान रोहतास जी हैं, यमुनानगर से दीपक बडोला जी हैं, पूरे हरियाणा से हम योग शिक्षक इकट्ठे हुए हैं। ज्ञापन देंगे? आज ज्ञापन देंगे और जो हमारी मांगे ज्ञापन हमने पहले भी दिया था, लेकिन हमारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा से हम आज कुछ साथी अनशन पर आवरण पर भी बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती तब तक हम ऐसा ही करते रहेंगे, हड़ताल करेंगे। हम 2018 में 500 के करीब बच्चे लगाए थे हरियाणा सरकार ने, और योग भारत सरकार भी और हरियाणा सरकार भी योग के प्रति इतना जागरूक हो रही है, और योग की सरकार आई थी वह कहते भी योग को बढ़ावा देंगे, हम गरीब आदमी को जो भी है उपचार के प्रति है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में योग बहुत प्राण सकता उपचार नहीं करा सकता, हम योग द्वारा ठीक करेंगे, और इतनी व्यायामशालाएं लगाई, इतना उनका बजट पास किया, लेकिन योग शिक्षक नहीं होगा व्यायामशालाओं का क्या महत्व है उनका। मैं तो सरकार से यही विनती करता हूँ, जो आप पास पोस्ट निकाल रहे हैं आयुष विभाग में जिन बच्चों को समायोजित किया जाए, जो बच्चे पहले लग रहे थे जिन्होंने 5-6 सालों के योग में भविष्य खराब कर दिया, योग के प्रति इतनी जागृति लगाई, योग में अपनी सारा कुछ एक्सपीरियंस किया, ये इनकी एजुकेशन है, पूरे पहले भी पारदर्शी तौर पर लगे थे बच्चे, पूरी इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ देखी गई थी, पूरी एजुकेशन देखी गई थी, पूरी एक कमेटी बनाई गई थी। अब हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों को समायोजित करके आप कैसे निकालें, क्या शर्त लगाएं, कितने बच्चे भर्ती करें, और हमारा यही प्रार्थना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहतास सर, ये मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जब तक भी आप इसको नहीं करेंगे हम यहाँ से अमरन सर तक बैठे रहेंगे जब तक हम नहीं। कहाँ कहाँ से टीचर आए हैं? हम यहाँ खेतर से आए हैं, हम बाड़ा से आए हैं, भिवानी से आए हैं, रोहतक से आए हैं, जज्जर से आए हैं, यमुनानगर से आए हैं, हम हर रोज की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ समय समय पर कुछ बच्चों को मैंने ट्यूटोरियल लगाई है, वो हर रोज आएंगे, आज ही देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.